हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पीके न्यूजीलैंड में। आज मैं एक छोटा सा व्लॉग बनाने जा रहा हूँ कि न्यूजीलैंड के अंदर लिकर स्टोर या अपने देसी भाषा में कह देते हैं ठेके, वे कैसे दिखते हैं, क्या प्राइसिंग होती है, किस टाइप की बीरें मिलती हैं, किस टाइप की अल्कोहल मिलती है, तो उसके ऊपर एक छोटा सा व्लॉग बनाने की कोशिश है। तो अभी मैं यहाँ पर ओनियंगा मॉल के पास एक छोटा सा लिकर स्टोर है द बोटलो, तो अभी मैं वहाँ पर आया हूँ और मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ कि एक ठेका न्यूजीलैंड के अंदर कैसा दिखता है और आपको किस टाइप की वाइन मिल सकती है, बीरें मिल सकती हैं और क्या प्रोसेस होता है बाइंग ए लिकर। ओके, तो अभी चलते हैं अंदर और देखते हैं कि कैसा रहेगा एक्सपीरियंस और देखते हैं कि इंडिया के कितने प्रोडक्ट यहाँ पर मिलते हैं और कितने नहीं मिलते हैं और नई वैरायटी क्या है और प्राइसिंग क्या है। सो चलो चलते हैं अंदर। ये देखो एक ठेका है द बोटलो, माउंट स्मार्ट रोड पे है और ये इसका नाम है द बोटलो और ये बाहर से ऐसा दिखता है। ना, आई एम नॉट बाइंग द लिकर स्टोर, जस्ट मेकिंग ए स्मॉल वीडियो। सो ये देखे ऐसे दिखता है और अपने अभी अंदर जाएंगे। ये अंदर सनी शेरावत खड़े हैं और ये भाई है अपने दोस्त मित्र। तो न्यूजीलैंड के अंदर ठेका ऐसे दिखता है और मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन सी दारू की बोतलें मिलती हैं। और पहले मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ लिकर से। आ जाऊँ भाई इधर, देखो ये देख लिए यहाँ पर प्राइस। जैगर माइक्स्टर की बोतल है, पिचपन डॉलर की है और इंडियन दारू किधर है टीचर? रॉयल स्टैग कितने की है इधर? 38 डॉलर की है रॉयल स्टैग। सो कितने रुपये की होगी? 2000 रुपये की, 5×20 2000 रुपये की। सो 2000 की बोतल है भाई रॉयल स्टैग की यहाँ पर है। वेट 69 कितने की है? ऑलमोस्ट 50 डॉलर, तो लगभग 2500 रुपये के बराबर है। तो सबसे महंगी दारू यहाँ पर कौन सी है भाई? कितने की? बैनरिच है, बैनरिच कितने की है? 400 डॉलर की है। और भी है, और एक ये भी तो है नहीं, ब्लू लेवल भी महंगी आती है, 240 की आती है। तो दोस्तों देखो ऐसे ऐसे करके ये सारी अल्कोहल है, मतलब दारू की बोतलें सारी इधर रखी हुई हैं और रम है। और प्राइसिंग देखो यहाँ पर लगी होती है, आपको आगे पिक करनी होती है कि पिक करो और कस्टमर सर्विस स्टेशन के पास ले जाओ और आपका बिल कट जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको यहाँ पर ये मतलब जो कस्टमर सर्विस वाला बंदा है उससे आप ज़रूरी नहीं है उसको बताना, खुद पिक कर सकते हो कि मुझे ये दारू चाहिए और उठाओ और लेके चले जाओ। तो ये तो था मतलब अपना प्योर अल्कोहल वाला सिस्टम। अभी मैं आपको दिखाता हूँ वाइन वाला सिस्टम। तो वाइन कुछ चिल कर रखी है, ये वाइन है वाइट वाइन। सो ये वाइट वाइन की कैटेगरी सारी इधर है। एक नॉर्मल वाइन इधर अराउंड 15-20 डॉलर की मिल जाएगी ना, सो एवरेज मिल ही जाएगी ना 20 डॉलर तक। सो अच्छा, तो इधर भी है भाई, ये थोड़ी सी रेड वाइन की कैटेगरी आ जाती है इधर, और शैम्पेन भी मिलेगी। लो जी ये देखो, आ जाओ जिस जिसने पीनी है, ये रेड वाइन की सारी की सारी कैटेगरी है। और इनके प्राइस मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी। तो अगर इसका प्राइस देखोगे तो देखो 15 डॉलर है और सिराज है, पिनानोवा किधर है, पिनानो वाला सेक्शन ये है सारा। तो ये सारी वाइन की वैरायटी है और उनके प्राइस हैं। अंगूरों से ज़्यादातर कहते होते हैं अपने भाई, वाइन क्या होती है, वाइन अंगूरों का जूस कहते हैं अपने देसी भाषा में, तो ठीक है। और ये थी वाइन वाली कैटेगरी। और फिर आ जाती है अपनी बीरें। देखो ये लिखा है कूल रूम सेल्फ सर्विस, तो इसमें है बीरों की वैरायटी। तो बीरें यहाँ पर कौन कौन सी मिलती है मैं आपको दिखाता हूँ। बड़ा चिल है, हमेशा आपको ठंडी बीर अवेलेबल मिलती है और इसका कोई ज़्यादा पैसा नहीं होता। तो ये देख लीजिए बीरों की वैरायटी इधर कौन कौन सी है। स्टेन लेगर है, स्पेट्स भी है। स्टेन लेगर का बॉक्स 15 का पैक है, 26 डॉलर का है और 99 सेंट का है। स्पेट्स का 15 डॉलर का पैक है, 29 डॉलर का है। और सिक्स पैक भी मिलता है, 12 पैक यहाँ पर एक स्टैंडर्ड साइज है। और सिंगल भी मिलती है, सिंगल बीरें भी आपको अवेलेबल मिलती हैं, कैन में भी आती है। और यहाँ पर देखो ये रही कार्ल्सबर्ग वीबी ऑस्ट्रेलियन है। ये देखो माल्या साहब आ चुके हैं, किंगफिशर के 6 कैन हैं 15 डॉलर के। और ये वाले, और ये थे किंगफिशर, हेगन है, असाई है, क्रोना,
ये रे भाई कोरोना काफ़ी प्रीमियम बियर के रूप में यहाँ पर मिलती है, 12 पैक है $28 का। तो और ये बियर बिल्कुल ठंडी हैं, आप गर्म भी ले सकते हैं। अगर किसी को चाहिए कि मुझे रूम टेम्परेचर पे चाहिए तो आपको आगे फ्रंट पे बताना पड़ेगा कि मुझे रूम टेम्परेचर वाली बियर का बॉक्स चाहिए, तो आपको बैक में से निकाल के दे देंगे। तो और आपको इनके प्राइस देखने हैं ढंग से, तो ये देखिए प्राइस यहाँ पर हर टाइप की कैटेगरी आपको मिलेगी। आपको कुछ प्रीमिक्स भी मिल जाएंगे, और आपको ये पेरोनी है, इटालियन बियर है। और भाई मुझे तो पहले आप नहीं पता था कौन कौन सी बियर होती है, लेकिन समय लगा, धीरे धीरे पता लगा कि जितना लंबा इस देश में रहते रहे तो पता लगता रहा कि यहाँ पर सिस्टम क्या है। और न्यूजीलैंड के अंदर भाई एक वर्क कल्चर सिस्टम है कि लोग यहाँ पर ज़्यादातर बीरें पीते हैं। वर्क सिस्टम के ऊपर भी फ्राइडे और सैटरडे नाइट को काफ़ी बीरें चलती रहती है। तो ये था एक छोटा सा टूर कूल रूम, और आपको यहाँ पर फ्रंट काउंटर के ऊपर चिप्स भी अवेलेबल हैं और पीनट्स पानट्स भी अवेलेबल है भाई, ठीक है। ये मूँगफली के दाने हैं कहने को, और ये चिप्स हो गए, और आपको ये रेडी टू ड्रिंक है, आरटीडी है, बस प्रीमिक्स है एक तरह से वोदका के, जैसे पियर है, पियर और ये जो भी मिला रखे हैं इसमें, वोदका में चॉकलेट मिक्स कर दी। हाँ मतलब वैरायटी बना रखी है कि सारी टाइप की ड्रिंक्स अवेलेबल होती हैं देशों के अंदर। काफ़ी प्रोफेशनल बिजनेस होता है लीकर स्टोर का इन कंट्रीज के अंदर, तो इस कारण आपको ना लगभग हर टाइप की कैटेगरी लीकर स्टोर के ऊपर अवेलेबल मिलेगी। और ये देखो ऊपर थोड़े से इन्होंने डिजाइन लगा रखे हैं, जैक डैनियल जी ऊपर हैं, और ऐसे ऐसे करके बंदूक भी है एक लास्ट के अंदर। किस चीज़ की है वो बंदूक, है ओरिजिनल है? अच्छा अच्छा, और मैंने सोचा डराने के लिए रख रखी है, वोडका है। लो भाई देखो वोडका भी बोतल के अंदर। तो और यहाँ पर सबसे बात है, देखो यहाँ पर ना छोटे छोटे नियम है, अगर आप इनको देखोगे, अल्कोहल विल नॉट बी सर्व टू एनीवन इज इंटॉक्सिकेटेड। अगर किसी ने ज्यादा पी रखी है तो उसको दारू नहीं मिलेगी, और माइनर्स को भी नहीं मिलेगी। और कस्टमर सर्विस को आपको, अगर कस्टमर सर्विस पर्सन अगर आपसे पूछ लेता है कि आईडी दिखानी है, तो आपको आईडी दिखानी पड़ेगी, और आप अंदर बैठ के दारू नहीं पी सकते हैं। और आप ऐसी एक तरह से रूल्स होते हैं जो कि काउंसिल के द्वारा इधर रन किए जाते हैं, और बिजनेस ओनर को उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, जब जाके एक लिकर स्टोर का बिजनेस इधर अच्छी तरह से चल पाता है। तो ये दिखाता हूँ मैं आपको अब एक मस्त चीज़। सनी लग कैमरा पकड़े। लो जी यह है वोडका की, वोडका ये तो ये है भाई वोडका है इसके अंदर। देखो बिल्कुल यहाँ से खुलती है, ये खोलनी नहीं अभी मुझे, नहीं तो ये अपने से प्राइस चार्ज हो जाए। कितने डॉलर की है ये? $28 की। ये देखो भाई बंदूक है एक तरह से कंप्लीट, बिल्कुल वैसा का वैसा सेटअप है, ठीक है। और कितने डॉलर की है? $28 की है। और कितने एमएल है इसमें? 100 ml है, 100 ml की है ये है। और ये इसकी ये पैकेजिंग थी, किसकी है ये? स्ट्रॉन्ग है, ठीक। सो दोस्तों कैसे लगा आपको भाई न्यूजीलैंड का ठेका? आपको यहाँ पर आइस के वो भी मिल जाते हैं, आइस ब्लॉक भी मिल जाते हैं बाहर अगर किसी को लेने हैं। और सो सारी चीज़ें आपको लगभग मिल ही जाती है, ड्रिंक लीजिए। यहाँ पर कोई बैक साइड में स्टोर नहीं है जिसके पीछे बैठ के आप पी सकते हो, तो आपको दारू लेके बाहर जाना पड़ेगा, अपने घर पे पियो, अपने दोस्त के घर पे पियो। तो न्यूजीलैंड के अंदर ठेके के अंदर ये सिस्टम नहीं होता जो अपने इंडिया में होता है, कि अपने पीछे बैठ जाते हैं और फिर हड़के हड़के पैक लगाते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो इन देशों में ये सिस्टम नहीं है। तो ऐसे करके एक छोटा सा एक ठेके का टूर था लिकर स्टोर का। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और स्पेशली बड़ा बड़ा धन्यवाद भाई का, जिन्होंने हमें मौका दिया कि एक छोटा सा ब्लॉग बना के हम आप लोगों को दिखाएं कि न्यूजीलैंड के अंदर ठेका सिस्टम कैसे चलता है, लिकर स्टोर कैसे रन होता है, और क्या क्या वैरायटी है। एक चीज़ मैं आपको जरूर दिखाऊंगा लास्ट में, ये गॉडफादर देखो न्यूजीलैंड में ही मिलती है, इसके ऊपर हिंदी में लिखा रहता, मैं हमेशा देखता रहता था, मंदिरा सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ठीक है भाई, ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए। किंगफिशर मैंने दिखा दिया है, माल्या साहब भी इधर रहते हैं, तो वो थी 300 की
ml की ये पैकेजिंग, ये है 500 वाली। सो ये 500 की है और 500 की एक बियर की बोतल ये है $4 की। सो ₹200 लगभग इंडिया के हिसाब से। सो दोस्तों ये था एक छोटा सा टूर, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और बताइए आपको न्यूजीलैंड का ठेका कैसा लगा। सो थैंक यू, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और दिन और किसी और जगह। सो थैंक्स अगेन।